सब्सक्राइब करें सिटी न्यूज पलामू व बेल आइकॉन दबाकर पाएं परमंडल की ताजा खबरें सबसे पहले सबसे आगे। रंका प्रखंड मुख्यालय परिसर में उज्ज्वला गैस के द्वारा भारत रवि गैस एजेंसी एवं इंडियन गैस एजेंसी की ओर से स्टॉल लगाकर लाभुकों के बीच 20 सूत्रीय अध्यक्ष कमलेश नंदन सिन्हा, रंका सांसद प्रतिनिधि सुनील माली एवं रंका बीडीसी प्रतिनिधि संजय सिन्हा के द्वारा गैस सिलेंडर, रेगुलेटर आदि सामानों का वितरण किया गया। इस संबंध में भारत गैस एजेंसी के प्रोप्राइटर रविशंकर पांडे ने बताया कि 1300 फर्म जमा है, जो प्रतिदिन 100 से 150 के हिसाब से गैस का वितरण किया जा रहा है। ऐसे 3 स्थानों पर वितरण के लिए चयनित किया गया है। विश्रामपुर, टीमन बाजार, तमगे स्थान को चिन्हित किया गया है। वहां पर स्टॉल लगाकर लाभुकों के बीच उज्ज्वला गैस का वितरण किया जाएगा। इस संबंध में रंका 20 सूत्रीय अध्यक्ष बतलाया कि रंका मुख्यालय में भारत गैस एजेंसी की ओर से 150 गैस एवं इंडियन गैस एजेंसी की ओर से 59 गैस का वितरण किया गया। उन्होंने कहा कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं राज्य की रघुवर सरकार की सोच है कि हर घर को धुआं रहित बनाना है एवं धुआं से होने वाली बीमारियों से गांव के महिलाओं को निजात दिलाने के एवं धुआं से होने वाली बीमारियों से गांव के महिलाओं को निजात दिलाने के ख्याल से उज्ज्वला गैस का वितरण किया जा रहा है। रंका प्रखंड परिसर में कैंप लगा करके भारत गैस एजेंसी एवं इंडियन गैस एजेंसी के द्वारा 209 गैस सिलेंडर उज्ज्वला योजना के तहत बांटा गया, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, राज्य के मुख्यमंत्री श्री रघुवर दास के द्वारा जो उनका सोच है कि हर घर धुआं रहित घर हो, उसी के तहत आज उज्ज्वला योजना के तहत यहाँ पे गैस वितरण किया गया। कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें रंका प्रखंड में 3 जगह गैस वितरण का कार्यक्रम किया गया। रंका प्रखंड मुख्यालय में था, बांदू में और तमगे में। और इसके तहत रंका पंचायत में करीब 1350 क्लियर एप्लीकेशन पड़ा हुआ है, जो रवि भारत गैस ग्रामीण वितरक के यहाँ पे पड़ा हुआ है, जिसको हम लोग लगातार देने का काम कर रहे हैं। 100-150 की संख्या में रोज गैस कनेक्शन वितरण किया जा रहा है। अलग अलग स्थान पर कैंप सुनिश्चित किया गया है। अभी मुझे बड़े भैया बिसूत्री अध्यक्ष से पता चला है कि वितरण कार्यक्रम के लिए 3 जोन में पूरे क्षेत्र को बांटा गया है, तो विश्रामपुर, तमगे, टीमन बाजार और एक रंका, तो हम लोग 3 सेक्टर में बांटा गया है। हम लोग वितरण का कार्यक्रम अलग अलग क्षेत्र में लगातार कर रहे हैं। आचार संहिता लागू होने के बाद से हम लोगों का ये चौथा कैंप है। अब ज़्यादा